गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश में यूज ऑफ इज एम आर का हमने प्रयोग किया है और उसका हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस कर चुके हैं। ये आपको सेंटेंस बनाने आ चुके हैं, हमें पता है। अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता है, क्योंकि आपने जो हमें वीडियो बना के भेजी है आपके काम करते हुए की, आपको सेंटेंस बोलते हुए की, और आपने जो लिख के रिटर्न में जो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया है, वो एक आपका बहुत ही अच्छा कार्य है। तो आज भी आपने ऐसे ही करना है, इन सबको लिखना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, हम इनका सिंपल सेंटेंस बनाना कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका यूज करना सीख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में किया था, आज हम सिंपल सेंटेंस से ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज हम इन चारों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इनको सिंपल बनाएंगे, फिर उसका नेगेटिव बनाएंगे, साथ ही साथ आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का नेगेटिव का फॉर्मेट पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य लिया है, वह खुश है, तो सिंपल सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है यहां पर, सब्जेक्ट। ही के बाद क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से हमें एक का प्रयोग करना होता है, और आपको पता है ही के साथ क्या लगता है, इज। ही इज आगे यस हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी कि इसका जो नियम हुआ क्या हुआ, एस वी ओ। क्लियर इतना, एस वी ओ, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि नोट लगा देते हैं। कैसे, पहले सब्जेक्ट, फिर वी, फिर उसके बाद हम लगाएंगे नोट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे वह खुश नहीं है, हमने क्या बनाया था, ही इज हैप्पी। यहां पे क्या बनाएगा हमारा, ही इज नॉट हैप्पी, और फुल स्टॉप। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के पीछे हम हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारे दो जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर चुके हैं। पहले ही आपको सेंटेंस बनाने आ चुके हैं, ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। अब प्रश्न पूछेगा, यानी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो इसके अंदर प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, क्या वह खुश है, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि प्रश्न पूछा है हमसे, पहला जो हमारा सेंटेंस था वह खुश है, अब यहां पर पूछा है उससे कि क्या वह खुश है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो सिंपल सेंटेंस के आगे क्या लगाया है, सिर्फ ओनली क्या, और पीछे क्या लगाया है, पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। तो हमें थोड़ा ही लिटिल चेंज करना है, और वो चेंज क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है इज एम आर का, जिसका भी प्रयोग किया हुआ है, हम उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेरी इजी, ठीक है, करो अभी। तो सबसे पहले इसका जो नियम है वो क्या बनेगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब को आगे लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये फॉर्मेट तैयार है, बनाओ अब इसको। क्या वह खुश है, यहां से उठा सकते हैं हम इसको कि क्या वह खुश है। तो ये कि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, इज ही हैप्पी, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस को अगर देखें, यहां पे क्या लिखा है, वह है, वह खुश नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। लेकिन हमने अब क्या जोड़ना इसके आगे, क्या, क्या वह खुश नहीं है, तो ये कौन सा वाक्य बन जाएगा हमारा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या बनेगा, क्या वह खुश नहीं है, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यही तो बना है,
क्या वह खुश नहीं है, यानी कि नेगेटिव है और इंटरोगेटिव हमने क्या ले लिया। तो क्या करेंगे, नेगेटिव वाले में थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे पहले था हमारा सब्जेक्ट वर्ब नोट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे हम वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। समझ आई, जैसे यहाँ पे था ही इज नोट हैप्पी, नेगेटिव था, बस इसके आगे हम इज को आगे ले लेंगे, इज ही नोट हैप्पी, इज ही नोट हैप्पी और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। शुरू से देख लेते हैं एक बार, ही इज हैप्पी, ही इज नोट हैप्पी, इज ही हैप्पी, इज ही नोट हैप्पी। तो ये हमारे चारों सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब दूसरा वाक्य हम एक और देख लेते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक किसान हूं, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, मैं एक किसान नहीं हूं, ये कौन सा है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा कि क्या मैं किसान हूं और क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, क्या मैं किसान नहीं हूं, तो यहां पर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे, मैं मींस आई, और आई के साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है, एम, आई एम अ फार्मर, अब मैं एक किसान नहीं हूं, तो हमें सिंपल क्या लगाना है, नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई एम नॉट अ फार्मर, क्लियर। उसके बाद क्या मैं किसान हूं, हमें पूछा है क्या, शुरू में यदि वाक्य के क्या आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं, अगर बीच में वाक्य के क्या आता है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें क्या मैं किसान हूं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, एम आई अ फार्मर और क्वेश्चन मार्क, एम आई अ फार्मर, क्या मैं किसान हूं, या इंटरोगेटिव नेगेटिव जब हम करते हैं तो उसमें पूछा जाता है क्या मैं किसान नहीं हूं, तो उसमें हम क्या लगा लेंगे, एम आई नॉट अ फार्मर और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। तो तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो आपको खुद बनाना है और उसको बना के हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। हम वाक्य बोल देते हैं, क्या है, हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक नहीं हैं, क्या हम अध्यापक हैं, क्या हम अध्यापक हैं। और जो फोर्थ हमारा सेंटेंस है, क्या हम अध्यापक नहीं हैं, तो ये हमारे चार सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहीं पर समाप्त होते हैं। यूज ऑफ इज, एम, आर का जो प्रयोग है वो हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर प्रयोग कैसे होता है वो हमने कर लिया है। इसका वीडियो का ये जो ये तीसरा पार्ट है, हमने इसके अंदर सिंपल भी कर लिए, नेगेटिव भी कर लिए, इंटरोगेटिव भी कर लिए और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आए हैं, आप इनको घर पे बनाएं, सिंपल जो आप जिंदगी में जो आप यूज करते हैं उनको इनसे कंपेयर करें कि आप कहाँ पर क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहिए। आप सिंपल में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे घर में हमें पूछे या आपसे कोई घर में आ रहा है कि यह क्या है, तो आप बता सकते हैं उस चीज को उठा के, इट इज अ बॉल, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं इट इज अ डस्टर,
यूज कर सकते हैं, इट इज अ जोक, ठीक है। आप सिंपल जिंदगी में जितना इनको यूज करेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। तो आप यूज करें आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ ब्रदर, ठीक है। आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, ठीक है। सी इज माई सिस्टर, ही इज माई फादर, सी इज माई मदर, सी इज माई ग्रैंड मदर, ही इज माई ग्रैंड फादर, ही इज माई अंकल, ठीक है। आप इन शब्दों को इनके सेंटेंस के अंदर यूज करना सीखें, जो भी जिसका आपको वर्ड मीनिंग पता है उसके आगे आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाकर वाक्य बना सकते हैं। और आज आपको यही करना है, आपके जितने भी घर में आपकी चीजें हैं आप उनको उठाएं और उनसे एक सेंटेंस बनाएं। एग्जांपल मैंने दे दिया है, जैसे आपने कोई भी घर के अंदर कोई जैसे गिलास है, आपने रसोई में गए गिलास को उठाया, तो आपको गिलास की स्पेलिंग पता करो पहले क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, जैसे इट इज अ ग्लास, ठीक है। इट इज नॉट अ ग्लास, इज इट अ ग्लास, इज इट नॉट अ ग्लास, इस प्रकार आप चारों सेंटेंस बना के देखें। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जल्द ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।